तब बारी आ गई इसको अनबॉक्स करने की। तो अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट ये है मेरा करने वाली अनबॉक्सिंग। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ एक और नई अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ ग्रोसरी का, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे सारे ग्रोसरी के सामान इसमें आएंगे। देखो बहुत भारी है, इसको मैं लास्ट में दिखाती हूँ कि किसको अनबॉक्स करना पड़ेगा। और बाकी चीजें ऐसे ही आई हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है मेरा ये 10 पीस का कंटेनर, जो इसकी क्वालिटी है काफी अच्छी। ये मुझे 100 रुपीज में पड़े एंड ये पर पीस 10 रुपीज पड़ा। और इसकी साइज देख सकते हो, छोटा बड़ा और बड़ा। इसमें ग्लास टाइप भी दिया है पानी वगैरह पीने के लिए। आप इसको लंच बॉक्स के लिए यूज कर सकते हो। 10 रुपीज पर पीस के हिसाब से आप आज के जनरेशन में क्या ही ले सकते हो। इस हिसाब से बहुत ही अच्छा रहा है ये। आप कुछ कैरी भी कर सकते हो इसमें रख के, और घर में भी यूज कर सकते हो किचन में। तो अभी हम लोग आएंगे अपने सेकेंड प्रोडक्ट की तरफ। सेकेंड प्रोडक्ट है ये हमारा प्लेट, 4 पीस का सेट है ये एंड मुझे 200 रुपीज से पड़ा, 50 रुपीज पर प्लेट। और ये ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी अच्छा है, थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह करना है तो आप यूज कर सकते हो। वैसे क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, स्टेनलेस स्टील है और ये 4 पीस का सेट है और वेट भी अच्छा है इसका। मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये सॉस पैन, ये बहुत ही अच्छा है क्वालिटी का। और जो इसका प्राइस है मुझे 200 में पड़ा। इसका कैपेसिटी है 1250 ml। इसका हैंडल जो है, हैंडल भी काफ़ी अच्छा है, मजबूत है और वेट भी अच्छा खासा है, मजबूत है। और जो पीछे का कलर देख सकते हो, इस कलर का है और आगे इसका ये कलर है। मुझे इतना बड़ा ही साइज चाहिए था। 1250 ml बहुत है, 4 से 5 जन के लिए चाय वगैरह बना सकते हैं, दूध बॉयल कर सकते हैं और पानी वगैरह भी गर्म कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये मेरा आटा, जो कि फॉर्चून का है। तो मैंने ये भी ऑर्डर कर लिया था, ये मुझे 29 रुपीज में मिला एंड मार्केट में इसका प्राइस 45 समथिंग है। और नेट पर भी मैंने चेक किया था, तो मैंने 1 kg मंगा लिया, क्योंकि 1 kg मिल रहा था, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा इसलिए। तो अब बारी आती है ये बॉक्स की, इसको अनबॉक्स करने की। बाकी जितने प्रोडक्ट आपने देखा तो वो ऐसे ही मिला था मुझे इस कैरी बैग में, देख सकते हो फ्लिपकार्ट लिखा है इसमें। तो अभी मैं इसको अनबॉक्स करती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसा है। जस्ट वेट, तब बारी आ गई इसको अनबॉक्स करने की। और ये 3 कलर में है, ग्रे एंड ब्लू एंड पिंक कलर। ये मुझे 199 रुपीज का पड़ा, 6 पीस का सेट। इसकी भी क्वालिटी अच्छी लग रही है, सेट कुछ ऐसा है बॉटल का। ये फ्रिज बॉटल है, आप कहीं कैरी भी कर सकते हो इसको इजीली। देखो सिस्टम दिखता है, डबल डबल कलर है। तो ऑर्डर की जो पैकेजिंग थी वो काफ़ी अच्छी आई हुई थी और बॉटल की भी अच्छी थी, अनबॉक्स करना पड़ा और बाकी तो ये इसलिए आ गया था, बट अच्छा था। तो गाइस, जितने भी प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किए थे एकदम सेटिस्फाइड है, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ प्रोडक्ट को देखकर, क्योंकि इसकी क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी आई है। आप इसको परचेस कर सकते हो अगर आपको ही परचेस करना हो। ये टोटल प्रोडक्ट मुझे 700 के अंडर में है, तो मुझे ये सबसे अच्छी बात लगी। और बाहर भी इससे कुछ ज़्यादा ही प्राइस में मिलता है, तो यही मुझे अच्छा लगा है। फ्लिपकार्ट का ग्रोसरी मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया है और मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड हूँ। वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना, लाइक कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप भी ऑर्डर कर सकते हो फ्लिपकार्ट से। और फ्लिपकार्ट से मुझे कोई पैसे नहीं दिए ऐड करने के, मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा इसलिए मैंने रिव्यू दिया। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलती है कनेक्टर वीडियो के साथ।